Hello, good morning. Myself Jatin Dave from Sapra School Bhuj. Welcome all of you, dear students. Today, now we are going to discuss our chapter number 8, motion. Today, we are discuss 2 points. First of all, speed with the direction is called the velocity, and second, rate of change of the velocity is called the acceleration. So first of all, now we start our point 8.2.1, speed with the direction. Speed with the direction. We know very well what is the speed. Yes, we know that speed is called the distance traveled by time taken is called the speed. So now, speed with the direction, when we describe the speed with the direction, is called the velocity. So velocity is the speed of an object in a definite direction. So velocity kya hai? वेलोसिटी है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की स्पीड है जिसे डिफाइनेट डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. सेकंड थिंग्स, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये दोनों तरीके के मिल सकती हैं. ये वेरिएबल भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये चेंज हो सकती है तीन तरीके से. फर्स्ट, बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होने की वजह से. सेकंड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन की जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने के साथ वेलोसिटी चेंज होती है. एंड चेंजिंग बोथ नंबर 1 and 2 मींस चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड आल्सो द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो इन तीन केसों में वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है. इन द केस ऑफ द वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म रेट पर मतलब कि इक्वली रेट पर वो चेंज हो रही है. तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी एक्सप्रेस होगी वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 से, वेयर यू इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी. दैट मींस यहां पर एवरेज वेलोसिटी मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज लेने से. ऐसा यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज अ मीटर पर सेकंड. सेम यूनिट ऑफ द स्पीड और वी कैन ऑल्सो राइट दैट एम एस रेस टू माइनस 1. So, in short, what is the velocity? Velocity is called the change of speed in unit time with a definite direction is called the velocity. So, velocity is the speed of an object in a definite direction. Velocity of an object can be uniform or variable, and the velocity of an object can be changed by 3 cases. First of all, changing the object speed. Second, changing the direction of the motion, and change both direction of motion and changing the object speed too. In the case of the velocity of an object changing at the uniform rate, then we can write the velocity, average velocity is equal to u plus v by 2, where u is called the initial velocity and v is called the final velocity. SI unit of velocity is the same of the SI unit of speed. That means SI unit of velocity is equal to meter per second, या फिर m by s. इसे exponent form में भी write किया जा सकता है, m into s raised to minus 1. ओके, अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं. रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ, द चेंजिंग इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. तो यूनिट टाइम के टाइम ड्यूरेशन के साथ जब वेलोसिटी में चेंजनेस आता है, अगर जो वो चेंजनेस पॉजिटिव है तो इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन. दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन अ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होता है इसे एक्सेलरेशन कहते हैं. और इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, वेयर वी इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी, u is called the initial velocity and t is called the time interval. Acceleration may be uniform or non-uniform.
एंड ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे कहेंगे एम बाय एस स्क्वायर, या फिर इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे एम इंटू एस रेस टू माइनस टू। तो ये बात हुई पॉजिटिव चेंज ऑफ द वेलोसिटी की। इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इंक्रीज इन अ वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एंड इन द केस ऑफ द एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। Secondly, the direction of the acceleration is in the direction of the velocity. Third one, a freely falling body from the certain height shows the acceleration motion. तो कुछ एक बात कर रहे थे acceleration motion को लेकर, जैसे कि non uniform motion exhibit करने वाला कोई भी object है, इसकी वेलोसिटी में टाइम इंटरवल के साथ चेंजेस आता है, तो ये चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर वी है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी एक्सिबिट करती है, और टी टाइम टेकन है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और ऐसा यूनिट है एम एस प्लस टू एम बाय एस स्क्वायर, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एम इंटू एस रेस टू माइनस टू, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, कभी कभी इंक्रीज इन द वेलोसिटी के साथ भी देखने को मिलता है, और कभी कभी डिक्रीज इन द वेलोसिटी भी देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि इंक्रीज इन वेलोसिटी है विद द टाइम, समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। व्हाइल डिक्रीज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीजेज होती है, तो इसे रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इन रिटार्डेशन मोशन इज नेगेटिव। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रिटार्डेशन मोशन एग्जिबिट करता है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव मिलेगी। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द सेम द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन रिटार्डेशन के केस में द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। रिटार्डेशन के केस में डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डेशन और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट होती है। अब एक एग्जाम्पल की बात कर ले, तो एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट। कुछ हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग करने दें, तो ये जो मोशन एग्जिबिट करता है ये एक्सेलरेशन मोशन है। एंड ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन हैज द रिटार्डेशन मोशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट है इसे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि आसमान की तरफ ऊपर की तरफ अगर जो थ्रो करते हैं, और वो जो मोशन एग्जिबिट करता है ये है रिटार्डेशन मोशन। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में हमने तीन बातें आपके सामने रखी, दो एजुकेशनल पॉइंट के साथ। सबसे पहले स्पीड विद द डायरेक्शन के अंदर हमने वेलोसिटी की बात करी, वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने की फॉर्मूला आपके सामने रखी। और दूसरे हमारे एजुकेशनल पॉइंट था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसमें हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला और ऐसा यूनिट की बात करी। और साथ में अंत भाग में जो पॉइंट्स हमने आपके सामने डिस्कस किए, इसके आधार पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, और वो क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीजेस इन द वेलोसिटी एंड डिक्रीजेस इन द वेलोसिटी।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको खास रेडी करने हैं। एक तो है डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और दूसरा क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड रिटर्डेशन। आई होप सो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आपको इसे ठीक इसी तरह से रिकॉल कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।